श्रीमद्भागवत कथा के पावन प्रांगण में हम आपने अनेक भक्तों का चरित्र सुना, अनेक वर्णन सुने, लेकिन एक छोटा सा भाव है हमारे वृंदावन का, जहाँ पर निधिवन है। वृंदावन में निधिवन में एक सूर बाबा आते थे जो आंखों से देख नहीं पाते, और प्रतिदिन आते वहाँ पर एक प्रतिमा थी ठाकुर जी की मूर्ति, उनको निहार करके और उनके आंखों से आंसू निकलते और भगवान के सामने मुख करके खड़े रहते। एक ब्रज का ग्वाला, एक ब्रजवासी ने देखा तो उसने पूछा, बाबा आप तो देख भी नहीं सकते उनको, फिर भी आप प्रतिदिन क्यों ठाकुर जी को देख करके रोते हैं? आप प्रतिदिन क्यों आते हैं? आपको तो दिखाई नहीं देता। बाबा ने क्या भाव दिया भक्तों? बाबा ने कहा, मुझे नहीं पता कि मेरा सांवरिया कैसा पीताम्बर धारण किया है, कैसा पटका लिया है और कैसा दिख रहा है, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि मैं तो उसे नहीं देख सकता, लेकिन वो तो मुझे देख सकता है, मेरा कन्हैया मुझे देख सकता है, मुझे विश्वास है कि वो मुझे देख रहा होगा, और क्या पता वो देख करके इस जन्म में मुझे सूर्य बना दिया है, मैं नहीं देख सकता, क्या पता मेरे आने वाले जो समय रहे उसमें मेरा कुछ कृपा कर दे, थोड़ी सी उसमें अपनी दृष्टि डाल दे, इसलिए मैं प्रतिदिन आता हूँ। भक्तों एक से बढ़ के एक लीला किए हैं हमारे बिहारी जी, जिनका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता, इसलिए भाव के भूखे हैं ठाकुर जी, उनको भाव पसंद है और कुछ भी।